दोस्तों छुट्टियों के दिनों में या अपना मूड फ्रेश करने के लिए अमूमन लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? इसका सिंपल सा जवाब मिलेगा, बीचेस पर। हम यहाँ विदेशियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर उसी मौज मस्ती के दौरान कोई खतरनाक समुद्री जीव हमला कर दे और उस हमले के दौरान मौत हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए आज हम दुनिया के इसी तरह के खतरनाक बीचेस की बात करते हैं जहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो पूरी देखने के बाद सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा है। नंबर वन पर आता है फ्लोरिडा में मौजूद न्यू सेमरीना बीच। इस बीच के बारे में कहा जाता है कि यहां मौजूद सैलानियों पर शार्क ने जानलेवा हमला कर दिया था जिसमें 100 से अधिक लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और तब से लेकर आज तक इस बीच पर सैलानी जाने से घबराते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यह घटना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में द शार्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दर्ज है। नंबर टू पर आता है मैक्सिको में मौजूद प्लाया जिपोलाइट बीचेस। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्लोरिडा के समीरना बीच की तरह ही शार्क हमला करती होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल यहाँ समुद्री जीवों से उतना खतरा नहीं है जितना कि यहाँ पर समुद्र में उठने वाली लहरों से। इस समुद्र में उठने वाली लहरें इतनी खतरनाक और भयानक होती है कि यहाँ आनंद लेने आए सैलानी लोगों का पता ही नहीं चलता। ये खतरनाक लहरें अपने साथ उन लोगों को बहाकर कहीं दूर ले जाती है। नंबर थ्री पर आता है ऑस्ट्रेलिया का केप ट्रिब्यूलेशन बीच। दोस्तों यह बीच ऊपर बताए बीचों से जरा हटके है। यहाँ पर न तो कोई शार्क हमला करती है और न ही समुद्र की लहरें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे डरावने जीव मिलेंगे जैसे कि जेलीफिश, विषैले सांप, मगरमच्छ, कैसोवरीज का घर और सबसे खतरनाक इमू जो कि एक बिना उड़ान वाला पक्षी है। इस इमू का वजन 160 पाउंड यानी 72 केजी के आसपास होता है। यहाँ बीच पर मजा लेने आए लोग इन इमू पक्षियों को छेड़ते हैं जिससे वह आक्रामक हो जाता है और उन सैलानियों को अपनी चोंच से गहरा आघात भी पहुंचाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक और मजेदार बीचेस। अगर आपको इनमें से किसी भी बीच पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।